हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.4, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन तो मैंने कल बताया था आपको, आपने की थी, अब है एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन मेथड। तो पहले मैं एक्सरसाइज का पेयर ले बताता हूँ आपको। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो सब्स्टिट्यूशन आपको आता है। अब मैं इसको आपको एलिमिनेशन मेथड, अब दो तो कॉमन ही आ जाएगा, 2 × x - y = 1 कॉमन आता है तो बन सकता है। अब जो दोनों साइड का कॉमन छोड़ देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, यहां लिख देता हूं x - y = 2। अब इसमें से हमने एलिमिनेट करना है। देखो इसमें एलिमिनेशन का तरीका क्या है, इसमें जो एक्स एक्स के कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे दोनों इक्वेशन, इसमें के कितने हैं x के 3, इसमें कितने हैं x का 1, तो इसको सारी को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3x - 3y = 3। अब इसको एलिमिनेट करना है तो अब सीधा करेंगे तो ये भी प्लस इक्वल साइंस है, ऐड हो जाएगा, सब साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया 7y और ये भी माइनस, तीनों सारों बदले जाएंगे 10 - 3 = 7 और y की वैल्यू आई 7y = 7। तो y अगर 1 है तो यहां रख दो, x y की जगह 1 रख दिया = 1, ये 1 इधर चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल काम है। ये एलिमिनेट करने का तरीका, सारे इक्वेशन ऐसे ही एलिमिनेट नहीं, एलिमिनेशन तो हमने सब्स्टिट्यूशन कल किया था, ये एलिमिनेशन हो गया। अब मैं इसके कुछ इक्वेशन बनानी है आपको, बनानी आती है, पहले वाली एक्सरसाइज में आई थी, लगभग उसी मिलती जुलती हैं, तो मैं एक आध उसको मैं से बता देता हूँ कैसे करनी है, फिर आप ये एक्सरसाइज करनी है। जैसे इसका फिफ्थ पार्ट ले लेता हूँ। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज होता है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे थereafter, उसके बाद एडिशनल चार्ज हो जाता है। तो हम मान लेते हैं सपोज फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए होता है फिक्स्ड चार्ज 3 डेज एक्स, और पर डे चार्ज वाई रुपीज है, एक्स रुपीज वाई रुपीज। अब ये कहता है कि सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, सरिता ने 7 दिन किताब रखी और ₹27 पर दिए। तो देखो पहले 3 दिन के लिए कितने हैं एक्स, दिन कितने बचे 4, 7 दिन रखी है, 3 दिन के लिए तो एक्स लग गए, बाकी 4 दिन के लिए वाई पर डे, तो 1 दिन के वाई है तो 4 दिन के कितने होंगे 4y, और कितने दिए उसने 27। दूसरी बार का है व्हाइल सुशी पे 21 फॉर 5 डेज, सुशी ने 5 दिन रखी है तो 3 दिन के लिए तो एक्स आ गया, 2 दिन बच गए उसके लिए वाई आ गई, ये दे रखी 20। तो आपने बताना है कि पर डे चार्ज कितना था और फिक्स चार्ज कितना है, तो यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे कोई से मेथड से निकाल लो, दो इक्वेशन आ गई, तो जो एक्स है वो तो उसका लिख देंगे फिक्स चार्ज = ₹10 एंड पर डे चार्ज = जो वाई की वैल्यू आएगी 30 रुपीज। तो ये मैं आके नहीं करूंगा, ये आपने करना है। एक और देख लो, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 years ago 5 साल पहले, पहले तो आपकी एज मान लेते हैं, सपोज नूरीज प्रेजेंट एज, नूरीज प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स, और दूसरा था सोनू, सोनू प्रेजेंट एज वाई ईयर्स, ये प्रेजेंट एज है। उसने कहा है कि 5 years ago 5 साल पहले क्या हुआ, एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी थी 5 साल पहले x - 5, सोनू की कितनी थी 5 साल पहले y - 5, लेकिन 5 साल पहले क्या कहा इसने कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जितनी उम्र सोनू की थी उससे 3 गुना थी नूरी की, 5 साल पहले की बात है, कर दो इक्वल, तो ये इक्वल कर लो x - 5 नूरी की है और y - 5 सोनू की, ये 3 गुना थी, अगर ये 5 थी तो ये 15 थी, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा, ये 3 times 15 है, ये 5 को 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको खोल देंगे 3y
माइनस 15 y रख जाइए, x माइनस 3 y इज इक्वल टू माइनस 15, ये 5 प्लस का हो जाएगा, प्लस 5 माइनस इक्वेशन हो गई x माइनस 3 y इज इक्वल टू माइनस 10। एक आ गई, दूसरी ओर देखिए 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद फिर निकालो, आफ्टर 10 ईयर्स, एगो माने पहले, बाद की, आफ्टर 10 ईयर्स, एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी है x प्लस 10, सोनू की कितनी है y प्लस 10, 10 साल बाद उसकी एज हो जाएगी ट्वाइस, तो जो नूरी है उसकी सोनू से दुगनी हो, तो ये नूरी की है, ये x प्लस 10, सोनू की है y प्लस 10, लेकिन ये डबल है, टू टाइम्स, तो इसको दो से मल्टीप्लाई की, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, दो से मल्टीप्लाई, 2y तक लिया हो, x माइनस 2y 20 माइनस 10, 10 है प्लस, एक इक्वेशन ये है, एक ये आई थी, पानी की थी हमने, ये वाली, दो इक्वेशन हो गई, अब x और y की वैल्यू निकाल दो, x नूरी की है, तो भाई सुन, तो ये इस प्रकार से आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली।